कि हमारा वीर जनजाति का जो खतियानी है, त्रुटि है, उसको पुनः संज्ञान ले और इसको जांच करते हुए हमारा फिर से आदिम जनजाति वीर जनजाति से खतियान बनाने की कृपा की जाए सर। हमें के जो पेंशन मिलत रहे से खान तक नहीं मिल है, बाथरूम मिला था सर लेकिन वो भी अभी तक नहीं बन पाया सर, और हमें नहीं मिला है सर। हमें वोट दिली एखन तक हमें के पेंशन नहीं मिले से समस्या है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का हरा राशन कार्ड में पीला राशन कार्ड बनना चाहिए। हम इनके मिले चाहिए पेंशन पैसा, हम इनके तनी बहुत मदद होवे चाहिए। हम लोग का खतियान में प्रिया जाति से बनना चाहिए सर। गांव में रोड नहीं है तो मरीज को लेने के लिए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग का बिशनपुर पड़ता है, तो वहाँ पर लेने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। स्कूल में दिक्कत हो रहा है सर, बच्चे सब को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। रात में जब डिलीवरी को जब शुरुआत हो जाता है दर्द, तो फिर जब हम लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो यहाँ तक नहीं आती है। झारखंड में विलुप्त होते जिस आदिम जनजातियों के संरक्षण की बात सरकार करती है, वहीं आदिम जनजाति परिवार आज सरकार की लापरवाही के कारण जार जार होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, वह घर छोड़कर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही से आदिम जनजाति परिवार बेहद दुखी है। गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत तुसरू कोना गांव में लगभग 300 आदिम जनजाति परिवार रहते हैं। इस गांव में केवल ब्रिजिया जनजाति निवास करते हैं। इस गांव में पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। गांव के लोग अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि हम लोगों की मूल समस्या खतियान में ब्रिजिया समुदाय को हटाकर अग्रिय समुदाय दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोगों के बच्चों का नामांकन विद्यालय में नहीं हो रहा और आवासीय प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 के बाद खतियान में ब्रिजिया को हटाकर अगरिया करने के बाद हम लोगों के बीच भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। खतियानी त्रुटि के कारण हम लोग काफी परेशान हैं। इस पर सरकार जल्द सुधार करके हम लोगों की समस्या का समाधान करे। मेरा नाम फुलेश्वर ब्रिज है और ग्राम दूसरों को के वार्ड सदस्य भी हूँ। सर, आपको सबसे पहले जीएन भारत न्यूज चैनल को आपको, आप जो दूर से चलकर हमारे गांव में आज जो मॉर्निंग में आए हैं, आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सर, हमारे ग्रामीण की ओर से। और हमारे बीच में आपने जो समस्या सुना और हम जो आपको बता रहे हैं सर, कि खासकर यहां पर जो है जाति नहीं बनने के कारण से हमारे बच्चे लोग, कई लोग अपना जीवन को बर्बाद की ओर लेके चल दिए सर, क्योंकि जो स्कूल में था उन लोग का एडमिशन भी हो चुका था, जाति मंगा, जाति नहीं बनने के कारण से वो लोग मैंने समय सीमा उन लोग का पार हो गया सर, और ऐसे भटकते वो लोग अपना कहीं काम दूर कमाने के लिए चला गया सर। और ये जो है सर, हम बता रहे हैं आपको कि 2012 से हमने खतियान को रिकॉर्ड रूम से निकाला तो उसमें हमारा अगरिया था सर। उससे पहले हमारा ब्रिज जाति से बन रहा था, जब एक हम प्रूफ के लिए रसीद लेके जाते थे उस समय में ब्रिज से लोग बना रहे थे, कर्मचारी जो भी अफसर लोग बना रहे थे। लेकिन जब से हम जो 2012 में जब सरकार ने जो एडमिशन नीति लागू की सर, उसके बाद में खतियान के खोज की तो मैंने रिकॉर्ड रूम से निकाला गुमला से जा करके, तो वहाँ पर हमने देखा कि अगरिया हो गया। तब से हमारा जाति बनना बंद हो गया सर, और ये उसमें दर्ज है सर, हमारा जो खतियान में 1934 में अगरिया दर्ज है सर। और इससे पहले जो हम लोग 2012 से पहले हम लोग जो खतियान रसीद से बना रहे थे ब्रिज जनजाति से, तो सबके लिए बन रहा था सर, और कई लोग सर्विस में भी गया है सर। लेकिन इधर से जो 2012 के बाद से हमारा खतियान में जब देखे तो त्रुटि है, तो उसके कारण से जो नौकरी में या तो कोई और चीज़ में जाना चाहता था, लड़का हो लड़की हो, कोई जा नहीं पाया सर, अपना ज़िंदगी भविष्य वो लोग का बर्बाद हो गया सर, है ना। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि हमारा ब्रिज जनजाति का जो खतियानी है, त्रुटि है, उसको पुनः संज्ञान ले और इसको जांच करते हुए हमारा फिर से आदिम जनजाति ब्रिज जनजाति से खतियान बनाने तो कृपा की जाए सर, आपसे मांग करता हूँ सर। और दूसरी बात है सर कि हमारे 2019 में भी सरकार ने घोषणा की थी सर जो बनपट्टा के मुद्दे पर, लेकिन हमने फाइट किया सर, लेकिन वो
फाइल जहाँ के ब्लॉक में रह गया सर, हमारा फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया सर, तब उससे भी हम वंचित हो गए सर। जो अपना एक एक खट्टा थोड़ा सा एक मुट्ठी हम वहाँ से आन उपज करते हैं, उपजाऊ करते हैं, लेकिन हमें भी बनपट्टा नहीं मिला सर। हम बड़े उम्मीद के साथ हमने जमा किया सर, जिस तरह हमारे बहुत गरीबी स्थिति से हम लोग जमा होकर के अमीन को बुला करके उसको नपे किए, नपी हुए थे, बाप दादा ने उनको कब्जा किया था, उस चीज़ को हम लोग फाइल को बढ़ाया था, लेकिन हमें बनपट्टा नहीं मिला सर। सरकार से मेरा उम्मीद है से इन पर भी आप संज्ञान लें और हमारे पूरे आदिम जनजाति को बनपट्टा देने हेतु कृपा कीजिए सर। और सर मैं इस गांव के लिए बहुत विकास के मुद्दे में चाहता हूं सर कि लोग जो पढ़ लेकर के अभी बीए कर रहे हैं सर, कोई मैट्रिक पास के इंटर पास की है सर, उनको भी सरकार एक मुख्यधारा में जोड़े सर, कि नौकरी मिले सर, व्यवसाय करें लोग, तो थोड़ा रोजी रोटी अपना घर परिवार अच्छा से चला सके सर, आगे अच्छा से बच्चों को पढ़ा लिखा सके सर। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, जो आप जो बीए फाइनल किया है, इंटर किया है, मैट्रिक किया है, उनको आप थोड़ा सा इन पर फोकस कीजिए सर, इनके लिए एक आरक्षण निकालिए और हमें जो 2% आरक्षण मिला है उससे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए सर, ताकि हम उसमें अपना उसमें हम सहभागिता हो सकें, शामिल हो सकें और हम एक अच्छा मुख्यधारा में जोड़ सकें और हम अच्छा परिवार को चला सकें सर। ये यहाँ पर जो साथ में हम लोग को जो बाथरूम मिला था सर, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बन पाया सर, और हमें नहीं मिला है सर, कुछ लोगों को 2-3 आदमी को मिला है, उसके बाद में इधर बाकी लोग का सबका नहीं बना है सर, मन मिला ही नहीं है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा है सर, समस्या है हमारे गांव में। प्रेशर ब्रिज है और मैं गाँव के मैं वार्ड सदस्य भी हूँ सर, और ग्रामीण जो है सर बाइक उपिंडा बिशनपुर में खाता खुला है सर इन लोग का, और ये अपना पैसा निकालने जाता है सर, इन लोग का खाता फ्रीज कर दिया गया है सर, और ये लोग काफ़ी परेशान है सर, मैंने KYC 2-3 बार कर चुका है तो भी इन लोग का नहीं खुल रहा है सर, समस्या बहुत है सर। ये लोग कई बार अपना गाड़ी भाड़ा लगा के जा रहे हैं सर, लेकिन तो भी इन लोग का काम नहीं हो रहा है सर। और मैं कहना चाहता हूँ सर, जो अभी जो है PM जनमान के तहत आवास भी मिला था, लेकिन अभी भी पैसा अभी नहीं आया है सर खाता में, और किसी किसी खाता में भी है लेकिन वही फ्रीज हो गया तो नहीं निकासी कर पा रहा है सर, इसमें भी बहुत दिक्कत हो रहा है। घर कैसे बनेगा सर, सरकार तो दिया है बनाने के लिए लेकिन पैसा रह गया तब ना बनाएंगे सर, दिक्कत ये है सर। और इसमें किसी का शादी हो जाता है, शादी विवाह भी हो जाता है, तो ये लोग उस समय में पैसा नहीं निकाल पा रहा है सर, तो दिक्कत उसमें भी हो रहा है सर। और किसी की तबीयत खराब हो जा रहा है, पैसा रहेगा तब नहीं इलाज कर पाएगा सर, तो उसमें भी सर इन लोग का जो है मीटर जो है उसमें फंस रहा है सर, कि ये लोग का फ्रीज हो गया है हमारे इस गांव के, और बहुत लोगों का फ्रीज हो गया सर, तो निकासी नहीं हो पा रहा है, इससे बहुत परेशान है लोग सर। कई बार जा कई बार तो अधिकारी लोग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। सर मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ सर, कि जो हमारे आदिम जनजाति के लिए सरकार ने एक बटालियन निकाला सर, उसमें से हम कहना चाहते हैं सर कि जो 18 से लेकर 30 साल किया था उसको पुनः बढ़ा दिया जाए, 18 से लेकर 40 कर दे, और फिर उसको फिर से एक बार और निकाले सर आदिम जनजाति बटालियन को, और फिर से निकाले, ताकि हमारे जो भी जवान युवक युवती है वो देश के लिए सेवा कर सके सर, अपना परिवार को अच्छा से चला सके सर। इसके लिए क्योंकि गरीबी इतना अभी है कि लोग पढ़ लिख कर के भी बेरोजगार में है, तो जो सरकार जो पहली बार निकाला उसी तरह फिर से इसको भी फिर इसको दोबारा निकाले सर। मैं इतना कहना चाहता हूँ। मोर नाम है कांति ब्रिजिया और मैं तुसरू कोना गांव कर रहे वाला को, और हम इनका रहे समस्या है कि हमें के जो पेंशन मिलत रहे से अखन तक नहीं मिल है, और हम इन वोट दिली और अखन तक हम इनके पेंशन नहीं मिल है, से समस्या है। जो पेंशन मिलत रहे सरकार से तनी बहुत हम इनके मदद भी हुई जात रहे, और अखन वो पेंशन नहीं मिले कर कारण हम इनके थोड़ा सा दिक्कत हुआ थे आवे जाए के लिए बिशुनपुर कही जाए, हम इन मन आविला जाइला सरकार से बहुत परेशान होवेला, तनी सुन पेंशन मिलत रहे तो हम इनके तनी सुन मदद हुई जात रहे। सर फ्रीज कर दे है हम इनकर, और खाता फ्रीज हो कर कारण यही है कि हम इन वो फ्रीज हुई जाए तो हम इनकर बहुत समस्या है, और एखन हम इन घर दूरा दे है सरकार तो खाता फ्रीज हो जाए तो पैसा नहीं निकलत है, तो हम इन का लखे घर के बनाई सकीला, और हम इन यह कहब कि खाता फ्रीज चालू हो जाए और हम इन जो काम है कि उके हम इन कर सकीला। हम इन यहाँ संख्या है एखन सब पूरे गांव कर 50-60 जन कर हम इनकर सता खाता अथी फ्रीज हुई जा है, से ले हम इन बहुत परेशान है,
और हम इनकर चालू करवा कर कृपा करें। बैंक जाए जाए के परेशानी है, हम इनकर पैसा बहुत लागत है और गाड़ी भाड़ा भी नहीं मिले ला, बहुत समस्या है हम इनकर। पहले हम इनके रोज आना जाना करे बहुत परेशानी लगा थे और हम इनकर ऐसा रोजगार भी नखे कि हम इन काम कर सकीला, इस जगह में कोनो काम भी नखे। पहले हम इन जगह भाड़ा भुता नहीं होवेला और जावे जाए आवे के लिए हम इनके बहुत परेशानी होवेला। प्रधानमंत्री दो 2000 सबकर ले पैसा भेजे लेकिन हम इनकर अकाउंट में नहीं आए है पैसा, खाता फ्रीज है कह के। हम इनके मिले के चाहिए पेंशन पैसा, हम इनके तनी बहुत मदद होवे के चाहिए और खाता ठीक होवे के चाहिए, हम इनके खाता चालू होवे के चाहिए और हम इनके। मेरा नाम रमेश ब्रिज है, तुतरुकुना का ग्राम प्रधान हूँ। यहाँ रोड का समस्या है, यहाँ थोड़ा एक किलोमीटर आधा किलोमीटर तक PCC रोड बना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तुतरुकुना में पूरा गांव के अंदर में रोड चाहिए। यहाँ का है कि अस्पताल जाने के लिए दिक्कत होता है, हम लोग को मरीज को ले जाने आने में दिक्कत होता है। मेरा नाम है राजेश बिरिची है, मैं ग्राम तुसुरकुना का निवासी हूँ। और ये है हम लोग का परेशानी कि हम लोग का 8 परिवार का हरा राशन कार्ड बन गया है, तो रुपये किलो हम लोग को मिलता है। तो हम लोग का एक ही जन का नाम में है तो हम लोग को 5 किलो मिलता है, तो 5 किलो जी से हम लोग का महीने नहीं चल पाता है। इसीलिए हम लोग का सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का हरा राशन कार्ड में पीला राशन कार्ड बनना चाहिए और हम लोग को 35 kg होना चाहिए। मेरा नाम है मिनंती ब्रिजिया, गांव है तुसरुकोना। हम लोग का समस्या है, ज़्यादा परेशान हम लोग का खतियन में अगरिया हो चुका है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा परेशान हो रही है। जाति नहीं बन रहा है हम लोग का, इसीलिए बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई के बहुत दिक्कतें हो रही है। तो हम लोग का खतियन में ब्रिजा जाति से बनना चाहिए, हम लोग का परेशान यही है सर। सर अगरिया हो गया है खतियन में, 2012 से पहले बन रहा था, हम लोग का बिना खतियन में बन रहा था, अब इधर खतियन खोजते हैं तो हम लोग खतियन में तो अगरिया हो गया है, इसलिए हम लोग का जाति नहीं बन रहा है सर। स्कूल में दिक्कत हो रहा है सर, बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। ती भाषा संस्कृत सब रिजा से होता है सर, डॉक्यूमेंट से हम लोग का रिजा से ही बना हुआ है सर, लेकिन खतियन में अग्रिया हुआ है तो इसी कारण हम लोग का जाति नहीं बन रहा सर। सर गांव में रोड नहीं है तो मरीज को लेने के लिए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग का बिशुनपुर पड़ता है, तो वहां तक लेने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। जब हम लोग मरीज लेते हैं तो यहां से रोड तक हम लोग ढो के लेना पड़ता है, जैसे गिरुआ बोलते हैं उसमें हम लोग बैठा के फिर 2 जन ढो के रोड तक लेते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। और उसके लिए हॉस्पिटल यहाँ गांव में रहता तो अच्छा होता, क्योंकि सरकार बोलते हैं कि PVTG परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं कहते हैं, तो इसलिए होना चाहिए, चाहे डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए चाहे आना चाहिए। और रात में जब डिलीवरी को जब शुरुआत हो जाता है दर्द, तो फिर जब हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो यहाँ तक नहीं आती है। और हम लोग का खतियान में अगरिया हो गया है तो हम लोग को जाति स्थानीय आवासीय बनवाने के लिए दिक्कत होता है, कि जाति स्थानीय नहीं बनता है तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, अपना बच्चा को नहीं भेज सकते हैं, और नहीं भेजने के कारण बच्चा लोग इधर उधर घूमते हैं। और हम लोग का ऐसा है कि हम लोग बच्चा लोग को प्राइवेट स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए जाति आवासीय सरकारी स्कूल में खोलता है, इसलिए जाति आवासीय बनना चाहिए। और अगरिया से तो हम लोग आदिम जनजाति में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग तो ब्रिजिया हैं, तो ब्रिजिया से बनना चाहिए। जब रसीद से बन रहा था जाति आवासीय उस समय दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि खतियान नहीं खोज रहा था। जब अब खतियान खोजता है तो फिर हम लोग को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, और जाति आवासीय नहीं बन पाता है। कहीं पर भी सरकारी स्कूल में हो जाता है तो वहाँ जाति स्थानीय खोजता है तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, और फिर बच्चा लोग को वहाँ एडमिशन हम लोग नहीं करा सकते हैं। और
और पीने के लिए भी पानी अभी तो 3-4 सेंटेक्स है, लेकिन भी नहीं होता है। और हम लोग का गांव ऊपर हो जाता है, पानी नहीं चढ़ पाता है, इसलिए पीने के लिए भी दिक्कत होता है। आजकल तो बहुत ही दिक्कत है, लेकिन किसी तरह हम लोग पी रहे हैं। यहाँ नदी में पानी था, वो नदी में भी सूख गया है। फिलहाल में वहाँ चापाकल गड़ाया है, और इधर भी यहाँ सेंटेक्स है तो वो भी नहीं हो पाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।